से अगर एसएससी डीडी में आप पीटी और पीएचटी के लिए तैयार हो रहे हैं जो कि 15 अप्रैल के बाद से चालू हो जाएंगे, तो आप देख लीजिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, महिलाओं के लिए क्या है और पीएचटी और पीटी में एक्स सर्विसमैन के लिए किस तरह करवाएंगे ये और पुरुषों के लिए किस तरह करवाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो एक्स सर्विसमैन को पीएचटी पीएटी नहीं देना है, केवल उनको मेडिकल उनका होगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करें तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर 40 मिनट में तय करने हैं, वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में तय करने हैं, ठीक है। 1.6 किलोमीटर मेल के लिए 6.5 मिनट है और 800 मीटर फीमेल के लिए 4 मिनट में है, ठीक है। अब देख लीजिए फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, अगर लद्दाख रीजन में आप हैं तो आपके लिए मेल कैंडिडेट होने के नाते आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में करने हैं और फीमेल होने के नाते 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में करने हैं। लेकिन अगर आप चंडीगढ़ आप लद्दाख रीजन के हैं, ठीक है, तो आपके लिए 800 मीटर महिलाओं के लिए है 4 मिनट में और 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में है। अब देख लीजिए ए वोमेन कैंडिडेट हु हैज अ रिजल्ट ऑफ दिस इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक स्टैंडिंग आर ओवर शैल बी डिक्लेयर्ड टेम्परेरी अनफिट एंड अपॉइंटमेंट बी हेल्ड इन एबसेंस अंटिल द कॉन्फिडेंस इज ओवर, ठीक है। द वैकेंसी अगेंस्ट व्हिच ए वोमेन कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड विल बी केप्ट रिजर्व फॉर हर। अब इसमें देख लीजिए अगर 12 महीने तक की प्रेग्नेंट कोई महिला है तो उसको अनफिट कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी वैकेंसी खाली रहेगी जब तक वो फिट नहीं हो जाती, उसके बाद उसका पीईटी हो जाएगा, ठीक है, 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ कन्फिनमेंट, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो मेल के लिए हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। अब न्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट आर अलाउड रिलैक्सेशन इन हाइट मेंशन्ड अबव, रिलैक्स स्टैंड ऑफ हाइट फॉर सच कैंडिडेट आर एज फॉलो। अब देख लीजिए इसमें हाइट में भी रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर आप एसटी से हैं तो आपको मेल होने के नाते 162.5 की हाइट होगी, ठीक है, और वहीं पर अगर आप फीमेल हैं और एसटी से हैं शेड्यूल ट्राइब से हैं तो 150 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी हैं और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से यानी एनी स्टेट से हैं एनी रीजन से हैं तो आप मेल होने के लिए आपको 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, वहीं फीमेल के लिए 147.5 की हाइट चाहिए। अब देखिए ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट आर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। तो देख लीजिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आप लोग जानते नहीं है तो जान लीजिए, इसके लिए आपको 160 सेंटीमीटर मेल के लिए और 147.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है। अब देख लीजिए कुमाऊं गढ़वाल और डोगराज मराठी के लिए इन्होंने 165 सेंटीमीटर मेल के लिए रखा है और 155 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए रखा है। अब देख लीजिए कैंडिडेट हैविंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से हैं आप, मणिपुर से, मेघालय से, मिजोरम से, नागालैंड से, सिक्किम से, त्रिपुरा से हैं, तो आपको 162.5 मेल के लिए 152.5 जो है वो फीमेल के लिए रखा है। कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम गोरखा टेरिटरी, अगर आप गोरखा टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन पे हैं तो मेल के लिए 157 है, फीमेल के लिए 152.5 है। तो इस तरह आप पूरा देख लीजिए, डिस्कशन मैंने लिंक भी डाल दिया है, ठीक है। अब चेस्ट की बात कर ले तो जो सीना ये देखेंगे मेडिकल में तो मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट रिजर्वमेंट, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम फुला के 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देख लीजिए फ्यू कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट आर अलाउड रिलैक्सेशन इन चेस्ट, चेस्ट में भी कुछ कैटेगरी को छूट दी गई है। अब देख लीजिए अगर आप एसटी से हैं शेड्यूल ट्राइब से हैं तो बिना फुलाए 76 होना चाहिए और फुला के आपका 76+5 यानी 5 सेंटीमीटर और आपको फुलाना पड़ेगा तो यानी आपका 81 तक फुलाए होना चाहिए। उसी तरह कैंडिडेट अगर डोगरा से हैं, मराठा से हैं, कुमाऊं से हैं, गढ़वाल से हैं तो उनके लिए 78 है बिना फुलाए, 5 सेंटीमीटर उनको फुला के करना है, ठीक है। इस तरह पूरा देख लीजिए आप, ये पूरा मेडिकल है। अब वेट की बात कर लें, अब देख लीजिए चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट नॉट होता है, इसके लिए तो होता ही नहीं है, अलाउ नहीं है, केवल पुरुषों के लिए चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है मेडिकल में। अब मेडिकल में आपका वजन कैसे देखा जाएगा तो प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज ऑफ द पर मेडिकल स्टैंडर्ड, आपकी जो एज होगी और आपकी हाइट होगी उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है उसके हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। अब मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीईटी पीएचटी, अगर आप पीईटी और पीएचटी निकाल लेंगे तो आपको फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा,
ठीक है। तो ये पूरा देख लीजिएगा आप, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग इनबॉक्स कर सकते हैं। तो पीएसटी और पीईटी क्या होता है आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया, इसको वहां से आप लोग पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया है इसको पढ़ सकते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, चैनल पर आप पहली बार आए और आपको लगता है कि एसएससी जीडी से रिगार्डिंग आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।